जब मैं उसको दिखा नहीं तो उसको लगा कि शायद मैं डूब गया हूँ, तो उसने मतलब वो रोने लगा किनारे पे। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक सरप्राइज जगह, आपको मैं बॉम्बे की एक बड़ी फेमस जगह दिखाऊंगा, तो चलिए चलते हैं। गाइस, आपने देखा हम लोग अभी जुहू की तरफ निकल रहे हैं और अभी हमने देखा अमिताभ बच्चन का बंगला, यानी द फेमस बिग बी ऑफ द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया का बहुत बड़ा नाम अमिताभ बच्चन। अच्छा, कितने बंगले हैं इनके? तीन बंगला तो सटा हुआ है, एक ही। अच्छा, तीन बंगले साथ में है। गाइज, मैं पहुंच चुका हूं फाइनली जुहू बीच और आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, भैया के राइट हैंड साइड पर जुहू बीच। आगे लगा लो भैया, मेरे ख्याल से वहां ले लो आप। तो अब मैं आपको कराता हूं जुहू की सैर। हेलो गाइज एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज आप देख रहे हो मैं आपको लेके आया हूँ जुहू बीच पे और आप मेरे पीछे पूरा नज़ारा देखो, ये बीच भरा हुआ है खचाखच पूरी पब्लिक से। भाई मैं अभी निकलता, मैं टाइम पे गया था बीच में आने के लिए, बट हुआ ऐसा कि इतना ट्रैफिक था रास्ते में, मैं भी श्योर नहीं था कि मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। और जो मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ का शानदार सनसेट, वो भी मेरे को लग रहा था कि वो भी पॉसिबल है कि नहीं, बट एनी हाउ आई मेड टू रीच ओवर हेयर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शानदार जुहू का बीच। तो गाइज, आपको अगर दिख रहा है तो मैं पीछे अभी आपको सनसेट का नजारा दिखाऊंगा। ये जुहू का बीच देखो आप, ऐसे खचाखच भरा है पूरी पब्लिक से। तो गाइज, ये है जुहू बीच और हम जुहू बीच के बिल्कुल किनारे हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल नज़ारा देखो आप, बड़ा मतलब औसम नज़ारा है। बड़ी भीड़ है, पूरी पब्लिक फुल ऑफ एनर्जी, खचाखच भरी हुई। जुहू बीच फेमस है दोस्तों, यहीं के पास में थोड़ा सा अमिताभ बच्चन के काफ़ी सारे बंगलोज हैं इसके पास में। और आप ये देखो, वन ऑफ द फेमस यहाँ तो होटल दिखेगा, काफ़ी सारे यहाँ यहाँ क्राउड है बीच में, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी फन, मतलब लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है बीच का। गाइस, जुहू बीच में शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत था। आप चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, लोग यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का भी मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, जुहू बीच में आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स चारों तरफ खाने के मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं और वो आपने करनी भी चाहिए। अगर आप जुहू बीच आते हैं तो यहीं आप अमिताभ बच्चन का यानी बिग बी का बंगला देख सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो नाइट है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा अगले पार्ट में कि यहाँ पे जो रात है बेहद खूबसूरत होती है। चारों तरफ लाइट्स की रोशनी में आपको बड़ा एंजॉय आपको करने को मिलेगा। आसपास काफ़ी फास्ट फूड के और स्नैक्स के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप अपने मनपसंद स्नैक्स खा सकते हैं और उसका मज़ा उठा सकते हैं। गाइस, आज मैंने भी जुहू बीच विज़िट किया और
आप देखो मैंने भी वाटर स्पोर्ट्स का पूरा मज़ा लिया। हम दोस्तों जुहू बीच में आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। आप देखो चारों तरफ जो पानी है अरेबियन सी का, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए मतलब काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे जगह, काफ़ी सारे आपको वाटर स्पोर्ट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जुहू चौपाटी का आप पूरा मज़ा ले सकते हैं। मुंबई का ये फेमस है जुहू चौपाटी। गाइस अगर आपका भी बॉम्बे आने का प्रोग्राम बने तो आप जुहू चौपाटी ज़रूर विज़िट करो। जुहू चौपाटी विज़िट करिए और इन्जॉय करिए मुंबई का, बिकॉज़ अगर आपने मुंबई में जुहू चौपाटी नहीं देखी तो इसका मतलब आपने मुंबई में कुछ भी नहीं देखा। और अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं तो जुहू चौपाटी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, जहाँ पे आप सेफली वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। गाइस आप यहाँ किसी भी टाइप का वाटर स्पोर्ट करेंगे उसके लिए आपको यहाँ ट्रेन स्टाफ मिलेगा जो आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिंदास और खुल के वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। Guys, now I'm going for jet ski ride. एक राइड पहले मेरे से पहले है तो उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, अंधेरा भी होने लग गया है, तो मेरे को भी ये है कि फटाफट फटाफट से जेट स्की की राइड करनी है। Back to my cold apartment, distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't. तो गाइस नाउ अभी जेट स्कीइंग करने के बाद मैं आया हूँ काला खट्टा गोला खाने के लिए, बर्फ़ का गोला। मैं बर्फ़ का गोला खाता था जब पूल में था, जब 12th में पढ़ता था तब मैंने बहुत खाया था। अंधेरा हो रहा है बट आपको दिख नहीं रहा होगा साफ से। ये बर्फ़ का गोला मैं तब खाता था जब स्कूल में था, उस टाइम पे मैंने बहुत बर्फ़ के गोले खाए हैं। अब देखो आज बहुत दिनों बाद, मतलब इट्स मीन बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत सालों बाद आज बर्फ़ का गोला खाने को मिला है। तो यहाँ भैया पीछे बना रहे हैं बर्फ़ का गोला, हम लेंगे, आपको दिखाता हूँ। कौन सा फ्लेवर आपका बढ़िया? काला खट्टा बना दो। काला खट्टा। तो गाइस देखो जुहू बीच का नज़ारा ये है रात के टाइम पे, कैसा लग रहा है बीच, चारों तरफ लोग ही लोग हैं और फुल इंजॉयमेंट चल रहा है पब्लिक का। अंधेरा हो गया है इससे थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं, बस लाइटिंग से आप देख रहे हो चमकने के, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। कोयला की लकड़ी वाला है कि वो वाला है?
गाइस एक जुहू बीच पे आज बड़ा फनी इंसिडेंस हुआ ऐसा कि मैं जेट स्की के निकला और ध्रुव मेरा वेट कर रहा था किनारे पे, तो जेट स्की एकदम से निकली, उसको पता नहीं चला कि गई कहाँ, तो उसने सोचा कि मैं डूब गया हूँ, तो वो किनारे पे रोने लग गया। जब मैं पहुँचा वापस तो रो रहा था, मेरे से नाराज़ हो गया था कि आप गए कहाँ, आप नज़र नहीं आ रहे थे, दिख नहीं रहे थे, मुझे लगा आप डूब गए। मैंने कहा यार मैं डूबा नहीं था, मैं इसकी अगर गिर भी जाती पानी में तो मेरे को स्विमिंग आती है, मैं वापस आ जाता, तेरे को रोने की जरूरत नहीं थी। तो बड़ा परेशान हुआ, मतलब इट वॉज अ रियली फनी मोमेंट, उसकी आंखों में आंसू थे और लिटरली मेरे को बड़ा उस पर प्यार आया उनके वो आंसू देख के। मैंने कहा यार मेरा बेटा मेरी इतनी चिंता कर रहा है। गाइज आज हम लोगों ने पूरा दिन जुहू बीच में इंजॉय किया, अब आप देख रहे हैं काफी लेट हो चुका है, तो हम निकले अब घर के लिए। दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।